नमस्कार, मैं रिद्धि फौज़, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करें कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो हमारे फैटी लिवर की प्रॉब्लम को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर लिवर में फैट की मात्रा बढ़ जाए तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर दो तरीके का होता है, इसे एक होता है अल्कोहलिक और एक होता है नॉन अल्कोहलिक। एक्सपर्ट्स की माने तो डाइट में और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव से समस्या से आप आसानी से निपट सकते हैं। इसके लिए अपनी डाइट में फाइबर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर चीजों को जरूर शामिल कीजिए। जी, लिवर को हेल्दी बनाने के लिए आप साथ के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खाइए, जिसकी वजह से आपके वजन घटाने में भी आपको इसकी मदद मिलेगी। इसके अलावा वाटर इंटेक बढ़ाइए, जिससे आपके शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे यूरिन के रास्ते बाहर निकाला जा सकता है। अनहेल्दी फैट्स को पूरी तरीके से अपनी डाइट से आउट करें। लिवर अपना काम सही तरीके से तब करेगा जब इसको फल सब्जियों के अलग अलग तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर आप हेल्दी रह पाएंगे। दरअसल फैटी एसिड से परेशान व्यक्ति के शरीर में सीरम एलिनो एमिनो ट्रांसफर होता है, इसकी वजह से एस्परेट एमिनो ट्रांसफर एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं। शरीर में इनकी मात्रा कम होने के कारण आपको कच्ची हल्दी का आपको सेवन करना चाहिए। कच्ची हल्दी को अपनी चाय या दूध में मिलाकर आप पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। इसके साथ ही फाइबर रिच फ्रूट्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, इससे फैटी लिवर की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सीजनल फल शरीर को ना सिर्फ आपकी रोगों से दूर करेगा बल्कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिला सकते हैं। सर्दियों में मिलने वाले फलों को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। फैटी लिवर की समस्या में आप क्या खाइए और क्या पिए, आप सबसे पहले कॉफी का इंटेक कर सकते हैं। इसके साथ ही फिश ऑयल भी आप अपने खाने में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अपने खान पीन में आप शामिल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी और हेल्दी रह सके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।